Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle from KV Number One chinwara Dear students, tomorrow I am here along with the sixth part of Kings and Chronicles. And in this session, we will read about the imperial household. And this is the main content of our session. And in this session, we will get an information regarding haram We will see about the relationship the political alliances between the rajputs and mughal as well as we will see about the status of women in mughal family and after that we will see about the important lady of mughal empire who played a very important role in economic activities also and we will get an information regarding gulbadan begum who wrote humayunama and she gave us lot of information regarding the domestic world of mughal empire now i am going to start with the imperial household dear students दर्म हरम इज़ फ्रीकवेंटली यूज टू रिफर टू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स बच्चों जो हरम शब्द का प्रयोग है वो मुग़लों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है इट्स ओरिजिनेट इट ओरिजिनेट्स इन द पर्सियन वर्ड हरम मीनिंग अ सेक्रेट प्लेस ये एक फारसी शब्द है बेटा जिसका मतलब होता है जिसका मीनिंग है सेक्रेट प्लेस मतलब पवित्र स्थान the mughal household consisted of the emperor's wives and concubines his near and distant relatives like mother step and foster mothers sisters daughters daughter daughters in law aunts children etc बेटा जो ये मुगल परिवार था उसमें बादशाह की पत्नियाँ उनकी उप पत्नियाँ उसके नज़दीक के दूर के रिश्तेदार माता सौतीली माताएं, उप माताएँ बहनें पुत्री बहू चाची मौसी बच्चे सब मिला कर के मुग़ल फैमिली बनती है इसके अलावा और भी कौन होते थे फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, महिला परिचारिका और गुलाम भी होते थे <coughs> पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह प्रथा पॉलीगैमी व प्रैक्टिस्ड वाइडली इन द इंडियन सब कंटिनेंट, स्पेशली अमंग द रूलिंग ग्रुप्स बच्चों जो बहुविवाह प्रथा थी पॉलीगैमी थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी व्यापक रूप से प्रचलित थी और उसमें भी स्पेशली किसमें स्पेशली अमंग रूलिंग ग्रुप्स और उसमें भी विशेषकर शासक वर्गों के बीच में बोथ द राजपूत एज वेल एज द मुगस मैरिजवाजा वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप एंड फॉर्जिंग अलाइंसेस राजपूत कुलों और मुग़लों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने और मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था मतलब ये विवाह करते थे एक परिवार मतलब ज़्यादातर मुगल बादशाहों ने राजपूत शासकों की लड़कियों से विवाह किया और उन्होंने एक प्रकार से पॉलिटिकल अलाइंसेस पॉलिटिकल रिलेशनशिप फॉर ये इसने इस्टेब्लिश किया क्रिएट किया एंड द गिफ्ट ऑफ टेरेटरी वॉज ऑफन ए बाय द गिफ्ट ऑफ़ अ डॉटर्स डॉटर इन मैरिज और विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप क्या किया जाता था एक क्षेत्र ही उपहार में दे दिया जाता था अब इससे क्या होने लगा कि जो हायरिकल रिलेशनशिप थी रूलिंग ग्रुप्स के बीच में उसको मेंटेन किया जाने लगा उसको सुनिश्चित किया जाने लगा उसे एंश्योर किया जाने लगा किस आधार पर इस तरह के गिफ्ट्स को देने के आधार पर इट वाज थ्रू द लिंक ऑफ मैरिज एंड द रिलेशनशिप्स दैट डेवलप एज अ रिजल्ट दैट अब इसका क्या रिजल्ट निकल गया मुगल्स वर एबल टू फॉर्म अ वास्िप नेटवर्क दैट लिंक्ड दैम टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स एंड हेल्प टू होल्ड अ वास्ट एम्पायर टुगेदर उन्होंने ये विवाह किया करवाया और इस तरह के संबंधों को विकसित किया जिससे जो मुगल बंधुता थी ठीक है किनशिप मुगल किनशिप जो थी उससे एक बहुत बड़े एक वास्ट किनशिप नेटवर्क को उन्होंने डेवलप कर सके एक मुगलों के साम्राज्य को दूर दूर तक उसका एक्सेप्टेंस को लेकर जाया जा ले जाया जा सका ठीक है और इससे भी क्या हुआ कि महत्वपूर्ण वर्गों से भी जुड़ गए जो शासक हो सकता था कि उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं उनसे इस तरह के रिलेशंस, ऐसे मैरिज या कह लीजिए पोलिटिकल को क्रिएट करके उन्होंने अपने इम्पोर्टेंस को और आगे तक बढ़ाया और ये इन लोग महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़ते चले गए और उन्हें एक बहुत बड़े साम्राज्य को इकट्ठा करने में मदद मिली ओके दिस लिंक हेल्प दैम to hold a vast empire together. So इसका ये importance आपको समझ में आ गया होगा कि marriage को value किस तरह से उसका मतलब use करते थे या किस तरह से उसके advantages को वो gain करते थे. In next uh, section you will see about the position of wives. डिस्टिंक्शन ऑफ वाइफ्स मुगल हाउस होल्ड्स अ डिस्टिंक्शन वॉज मेंटेन बिटवीन वाइफ्स हु केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज ठीक है बच्चों मुगल परिवार में जो शाही परिवार से आने वाली स्त्री होती थी उनको बेगम कहा जाता था एंड अदरवाइज जो जिनका जन्म कुल इन परिवार में नहीं होता था हुआ नॉट फॉर नोबेल ऑफ नोबेल बर्थ उनको अगहा कहा जाता था ठीक है और इनमें बेटर डिफरेंस भी रखा जाता था इनके बीच में अंतर भी रखा जाता था दी बेगम मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स एज डॉर बच्चों जो महिलाएं दहेज में दहेज के रूप में अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में वो लेकर आती थी तो ऐसी महिलाओं को ऐसी स्त्रियों को इन बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था ठीक है द बेगम मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल्स एज डॉ नेचुरली रिसिव अ हायर स्टेटस एंड ग्रेटर अटेंशन फ्राम देअर हसबेंड देन डिड अघास क्योंकि आघास जो है वो नोबेल फैमिली में उसका बर्थ ही नहीं हुआ जो ढेर सारा कैश और वैल्यूएबल चीजें जो लेकर आ सके तो कहीं ना कहीं बेगम को उसका एडवांटेज मिलता था दूबाइंस एंड अगाछा ऑक्युपाइड द लोवेस्ट पोजिशन इन द हायर एर् ऑफ फीमेल्स इन इंटीमेटली रिलेटेड टू रॉयल्टी अच्छा बच्चों अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है राजतंत्र से जो जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उप पत्नियों की और उसमें होती थी अगाछा पहले हो गई बेगम फिर अगहा फिर अगाछा ठीक ये इनकी जो स्थिति थी सबसे निम्न होती थी और इसके लिए दे ऑल रिसीव्ड मंथली अलाउंसेस इन कैश इन सभी को बेटा नकद मासिक भत्ता भी दिया जाता था ठीक है दे ऑल रिसीव्ड मंथली अलाउंसेज इन कैश सप्लीमेंटेड विद गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस और कभी कभी उन्हें उपहार भी दिया करते थे उनके दर्जे के हिसाब से भाई बेगम है तो उसे एक अलग तोहफा मिलेगा आगा है तो उसे अलग किस्म का तोहफा दिया जाएगा और आगाचा है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा द लिनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर वॉज नॉट एंटायरली स्टेटिक जो वंश पर आधारित पारिवारिक ढांचे की हम बात कर रहे हैं वो पूरी तरह स्थायी नहीं था कि बेगम हमेशा अगाचा जो है हमेशा लोएस्ट पोजिशन में ही रहेगी या अगहा जो है हमेशा मिडिल पार्ट मिडिल सेक्शन में ही रहेगी ना ऐसा नहीं था ये कोई स्थाई नहीं था ठीक है ये अगा एंड द अगाछा कुड राइज टू द पोजिशन ऑफ अ बेगम डिपेंडिंग ऑन द हजबेंड्स विल एंड प्रोवाइडेड दैट ही डिड नॉट ऑलरेडी हैव फोर वाइफ्स बच्चों यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से चार पत्नियां ना हो तो अगहा और अगाचा भी जो थी वो बेगम की स्थिति या उसकी पोजीशन को पा सकती थी ठीक है लॉ एंड मदरहुड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एलिवेटिंग सच वूमन टू द स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स प्रेम और मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधिसम्मत लीगली विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे अगर उसमें लॉ और मदरहुड जैसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है तो उन महिलाओं को लीगली उनकी वेडेड वाइफ्स यानी विवाहित पत्नियों का दर्जा मिल जाता था अगर इनमें दो खास बातें हुआ करती थी अपार्ट फ्रॉम वाइफ्स पत्नियों के अलावा भी देखिएगा Numerous male and female slaves populated the Mughal households. पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष जो थे वो गुलाम के तौर पर वहाँ होते थे And the tasks they परफॉर्म varied from the most mundane of to those requiring skill, tact, and intelligence, चाहे साधारण साधारण कार्य से लेकर के कौशल निपुणता वाले बुद्धिमत्ता वाले जो भी कार्य रहते होंगे उन सबका संपादन वे करते थे इनमें बेटा कुछ गुलाम होते थे जिनको खास सर कहते थे गुलाम हिजड़े वो परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में परिवार के अंदर में भी और बाहर में भी जो जीवन में रक्षक के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाते थे नौकर की भी भूमिका निभाते थे और व्यापार में वे महिलाएं जो व्यापार में दिलचस्पी रखती थी उन महिलाओं के वो एजेंट के तौर पर भी काम करते थे ठीक तो इस तरह से इम्पीरियल हाउस होल्ड में इनका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल था आफ्टर नूरजहाँ मुगल क्वीन एंड प्रिंसेस बिगेन टू कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस नूर जहां के बाद मुग़ल रानियां और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था उसमें अगर हम बात करें जहान आरार और रोशन आरा जो कि शाहजहाँ की, की पुत्रियाँ थी शाहजहां डॉटर्स जहान आर रोशनारा रोशन आरा एन्जॉयड एन एनअल इनकम ऑफ एन इक्वल टू दैट ऑफ हाई इम्पीरियल मनसबदार्स बच्चों शाहजहाँ की जो पुत्रियाँ थीं उनका नाम था जहान आरा और रोशन आरा इनको भी शाही मनसबदारों के समान एनअल इनकम वार्षिक आय मिलती थी ठीक है जहा नारा इन एडिशन रिसीव्ड रेवेन्यू फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत विच वॉज अ लिक्रेटिव सेंटर ऑफ वर्स ट्रेड जो जहा को सूरत के बंदरगाह नगर से जहां पर विदेशी व्यापार का एक बड़ा लाभप्रद केंद्र था वहां से भी राजस्व प्राप्त होता था तो आपने देखा कि किस तरह से मुगल डायनेस्टी में जो महिलाएं थी, विमेंस थी दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेड ओके सॉरी इन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट इन ट्रेड दे वर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इनेबल्ड इम्पोर्टेंट वीमेन ऑफ द मुगल हाउस होल्ड टू कमीशन बिल्डिंग्स एंड गार्डन्स अभी तक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल था ही ठीक है इसके अलावा और क्या हो गया कि जो मुगल परिवार की जो इम्पोर्टेंट वीमेंस थी वेमन थी उनको इमारतों और बागों के निर्माण का भी अब अधिकार दे दिया गया था जहान आरा पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहां न्यू कैपिटल हमने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं इसको कि शाह ने एक न्यू कैपिटल बनाया था बेटा शाहजहां उसमें जहान आरा ने वहाँ के जो आर्किटेक्ट था वास्तुकलात्मक परियोजनाएँ थी उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने उसमें हिस्सा लिया अमंग दीज वाज एन इम्पोजिंग डबल स्टोरीड का डबल स्टोरीड सराय ठीक है विद कोर्ट यार्ड एंड गार्डन बच्चों इनमें से उन आंगन और बाग के साथ जो दो मंजिल की भव्य अद्भुत कारवां सराय थी उसके निर्माण में भी अपना एक उसके आर्किटेक्ट को लेकर के अपना रोल प्ले किया था एंड द बाज़ार ऑफ चांदनी चौक दी थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ शाहजहानाबाद वाज़ डिज़ाइन बाय जहानारा और शाहजहानाबाद के जो हृदय स्थली कही जाने वाली चांदनी चौक दिल्ली का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आज भी चांदनी चौक जो है फेमस है दी बाजार ऑफ चांदनी चौक दी थ्रॉबिंग सेंटर ऑफ शाहजहाबाद वाज डिज़ाइंड बाय जहानारा आरा शाहजहानाबाद के हृदय स्थल कहलाने वाले चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहान आरा के द्वारा बनाई गई थी जहान आरा के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है कि जहान आरा कौन थी और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलावा वो एक ऐसी महिला थी जिसने आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में भी अपना पार्टिसिपेशन किया था

An interesting book giving us a glimpse into the domestic world of the Mughals is the Humayu Nama, which was written by Gulbadan Begum. Gulbadan was the daughter of Babur, Humayu's sister, and Agwa's aunt. Gulbadan could write fluently in Turkish and Persian. But Gulbadan Begum, just Humayunama Humayun Nama, वो मुग़लों की घरेलू दुनिया की एक झलक उससे हमें मिलती है गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी हुमायूं की बहन थी अकबर की चाची थी गुलबदन स्वयं जो थी वो तुर्की और फारसी धारापुरहा में लिख सकती थी एंड वैन अकबर कमीशन फजल्स टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हि रिजन ही रिक्वेस्टेड हिसान टू रिकॉर्ड हर मेमोरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स अंडर बाबर एंड हुमायूं फॉर अबुलजल टू ड्रॉ अपॉन बच्चों जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था अकबर नामा लिखने के लिए तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया था रिक्वेस्ट किया था ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को <coughs> अपनी कृति को पूरा कर सके तो इस तरह से अकबरनामा के लिखने में भी गुलबदन बेगम ने उनकी मदद की थी वाट गुलबदन रोट अबाउट वाज नो अलगी ऑफ़ दुगल rather शी डिस्क्राइब इन ग्रेट डिटेल्स ओके गुलबदन ने जो लिखा मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों के बारे में लिखा द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन अमंग दी प्रिंसेस एंड किंग्स एंड द इम्पॉर्टेंट मीडिएटिंग रोल एल्डरली वुमेन ऑफ द फैमिली प्लेड इन रिजॉल्विंग सम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और इनके बीच जो संघर्ष और तनाव चल रहा था इन उसके बारे में लिखा और इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की इस उम्रदराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में भी उन्होंने बड़े विस्तार से इस हुमायूं नामा में लिखा बच्चों ये गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा का ये इमेज आपके सामने है आज के इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको इम्पीरियल हाउस होल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा अगर किसी तरह की कोई समस्या महसूस होती है आप गूगल क्लासरूम में यह लिंक जहाँ दी जाएगी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस पोस्ट कर दीजिएगा ज़रूर उसका त्वरित निवारण किया जाएगा थैंक यू वेरी मच